अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हस्बेज़ कुज़ीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज हाजिर हूँ एक न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टमाटर की चटनी बनाने के 3 तरीके। स्टार्ट करते हैं चटनी के इंग्रेडिएंट से। टमाटर 1 पाव, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद और लहसुन 2 से 3 चम्मच। सबसे पहले टमाटर के 1 में से 4 टुकड़े कर लें। और धनिए को भी मोटा मोटा चॉप कर लें ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हैंड चॉपर, क्योंकि मुझे चटनी में टमाटर के चंक्स पसंद है। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने तमाम अज्जा को ग्राइंड कर लेना है। तो फाइनली इट्स डन। अब मैं ऐड करूंगी सम स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक हसबे जायका डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और एक बाउल में निकाल कर सर्व करें। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। एक फ्राई पैन में देसी घी 2 से 3 खाने के चम्मच गरम कर लें और ग्राइंड की हुई चटनी डालकर तेज आंच पर भून लें, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और घी अलग हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चटनी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। अब तेज आंच पर इतना पकाएं कि घी अलग हो जाए और सर्व करें। चलते हैं लास्ट और थर्ड तरीके की तरफ। भुनी हुई चटनी में 1 अदद अंडा डालकर पका लें और सर्व करें। इन चटनियों को आप नाश्ते में गरम गरम लच्छेदार पराठों के साथ एंजॉय करें। दाल चावल और नाचोज इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सब्सक्राइब हस्बेज़ होम कुज़ीन एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी एक डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।